तो भाई लोगों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है, ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने आया हूँ यार, जो मेरे माइनक्राफ्ट में जो एक ग्लिच हो रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भाई लोगों, वो ग्लिच इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अब यार, जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब मैं कुछ भी माइन करता हूँ, वो उस ग्लिच से मेरी सारी माइनिंग चली जाती है और साथ में मैं वहीं पर टपक जाता हूँ। वो मुझे लावा में टेलीपोर्ट करता सीधा सीधा ही। उसके कारण अब मुझे ये वर्ल्ड छोड़ना पड़ रहा है, मेरे बनाए हुए पूरा कैसल मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैंने इसे इतने सारे चेंजेस किए थे इस कैसल में यार, पिछली वीडियो के बाद में मैंने काफ़ी सारे चेंज किए थे। मैंने अपना पूरा फार्म को सेटल किया था यार, मैंने सारा कुछ चेंज किया था। मेरे हॉर्स के इस प्लेसेस को मैंने सेटल किया था, मेरे इतने सारे सैडल, मेरा एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल, मेरा विलेजेस के बने हुए ये पूरा एरिया सारा धरा का धरा ही रह गया। और पिछली वीडियो में मैंने करना सीखा था एन्चेंटमेंट यार, वो एक मेन चीज़। और इस बार मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट ये दे रहा था। इस वीडियो में सोचा था मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, बट यार अभी वॉली जाने वाले, ये बिस्तर मेरा प्यारा और वो चेस्ट जिसको मैंने भरने के सपने देखे थे, बट अभी ऐसे ही रहेंगे। और ये मेरी प्यारी माइंड शाफ्ट क्या स्ट्रिप माइंड। और मैंने पिछली वीडियो में कुछ बहुत से डायमंड भी ढूंढ के थे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला था, बट दिस ग्लिच वो 8 डायमंड थे जो मैंने आपको अभी भी दिखाए हैं। और यहाँ पर 4 और हैं, कम से कम 12 डायमंड। और मैंने सोचा मैं इन्हें फॉर्चून 3 ढूंढ कर इन सबको मैं तोड़ूंगा और इनसे डबल ट्रिपल डायमंड लूँगा। मेरा पैरा ट्रेडर जो मुझे कभी कुछ टंका नहीं देता था, और हमारा प्यारा एक्सपी फार्म जिसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, बट अब ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही बार एक्सपी दे पाई। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये कोई एंडिंग नहीं है, ये एक शुरुआत है एक नई सीरीज़ की। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।